अस्सलाम वालेकुम दादी प्लस नानी व्लॉग में खुश आमदीद। आज हम बकरे की सरी भून रहे हैं और इसको पका कर खाने लगे हैं, जो कि बहुत मज़ेदार और ताकत से भरपूर होती है। इसको इस तरह हमने आग पर रख के और इस तरह 5-5 मिनट एक साइड पे रखना है और फिर उसको छुरी से ऐसे करके साफ कर लेना है। देखें साफ हो गई है, ये देखिए एक साइड हो गई है। दूसरी साइड करते हैं। मेहनत तो मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये है कि ये बहुत अच्छी अपने घर का बकरा ज़िबा करके खाएं तो उसका फ़ायदा ये बहुत होता है, सेहतमंद होता है, बंदे की आंखों का देखा हुआ होता है। और बस इस पे ये ध्यान दें और बस इसको कर लें इस तरह। ये देखें इजी होती जा रही है, ये आवाज़ आ रही है ना, इसका मतलब है कि ये हो गए हैं, यहाँ से बाल ख़त्म हो गए हैं। ये छतरा था और इस पे वैसे भी बाल ज़्यादा होते हैं। साफ कर देते हैं, ये बस हो गई है, थोड़ा सा रह गया है एक मिनट के लिए। ये देखिए माशाल्लाह हो गई है। और कहीं अगर नहीं हुई, ये देखिए ये डीप डीप जगह से ना नहीं होती, तो इसको हम इतनी जगह से गोश को उतार देंगे। अगर ये हम करने लगे तो फिर वो जल जाएगी। चलिए फ्लेम को कर देते हैं बंद और ये हो गई है। ये माशाल्लाह पानी में इसको भिगो देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको आधा घंटा पानी में भीगा रहने देते हैं। आधा घंटा भीगने के बाद अब हम इसमें इसको शिफ्ट करते हैं और इस तरह ये गूंची मार के देखें, ये बर्तन धोने वाली गूंची है, इसको मार के और साफ सुथरा कर देते हैं। इस तरह सारी धो लेते हैं। देखें कितनी अच्छी धुल गई है, धुल गई है, साफ सुथरी हो गई है। आप भी इसी तरह बनाइएगा और दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करें और हमें भी आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। अब इसको कसाई से बोटियां बनवा लेते हैं। ये देखें कितना अच्छा है, ये खुश हो रहा है, ये हलाल चीज़ है तो इसको खाना है तो ये खुशी होएगा ना। ये देखें साफ सुथरी हो गई है। अल्लाह हाफिज़। साफ कर लिया इसको, ये सेहतमंद तरीका है भूनने का, कहीं बाहर रह जाए तो उसको कैंची से छुरी से हमने उतनी बोटी उतार देनी है। लेकिन ये देखें कहीं नहीं बाल